ड्राइवर के साथ भी, कुक के साथ भी, साइट पे भी, इंजीनियर के साथ भी, सटरिंग आरसीसी मेसन इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर जो भी साइट पे काम चल रहा होगा, मतलब कुल मिला के काम जो भी चल रहा होगा किसी भी के साथ में या कहीं भी जरूरत होगी लेबर को लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेटरिंग बाथरूम नहीं साफ कराएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। गंदगी जमादार वाला स्वीपर वाला काम नहीं कराएगा। कंस्ट्रक्शन लेबर, जनरल लेबर का मतलब होता है कोई भी काम कराएगा आपसे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा आप लोगों? किसी को ये तो नहीं बोल के भेजा जा रहा है, कोई एजेंसी भेज रहा हो कि वहां जाओगे, जैसे आपने कोई बोला अभी इसी में बिल्डर हूं मैं, कौन बोला? आप बोले थे ना बिल्डर, तो ये तो नहीं दिमाग में रख के जा रहे हो वहां किसी ने बोला वहां बिल्डर बनवा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 300 बेसिक सैलरी आपकी है जो सैलरी है, उसके बाद आपका $25 बोनस है, थर्ड मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही बताया ना एजेंसी ने, यही बताया है बराबर। इससे ऊपर की सिक्स सैलरी बताई है तो अभी बता दो। मतलब ओवर टाइम क्या होता है यहाँ पे, जो रशियन टेरिटरी में आती है तजाकिस्तान, इसमें 10 घंटा कोई भी कंपनी वाले होगी, 10 घंटा ड्यूटी, 1 घंटा लंच, कहने का 1 घंटा, 2 घंटा 3 घंटा होता है। अभी वहाँ पे साइटों पे जो किसी से बात होती होगी, अगर वहाँ पे इंजीनियर है राजस्थान के गए हैं, होती होगी, खज आपकी होती है ना, कल हुई थी ना, उससे पूछ लेना, वहाँ कोई काम का प्रेशर नहीं होता है, दर्द जैसा नहीं है कि चढ़े रहे काम पे, ऐसा कुछ नहीं। टेम्परेचर भी वहाँ का, हाँ, 2 महीना -15 डिग्री होता है, क्लियर, समझ रहे? -15 डिग्री कितना होता है? नशे में क्या गिरे में जा रहे? -15 डिग्री में क्या होता है, बर्फ जम जाती है, तो वैसा टेम्परेचर वहाँ 2 महीना होगा, 20 दिन 25 दिन 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना हो सकता है। -15 डिग्री मतलब समझते हो, जबरदस्त बर्फ पड़ती है, अगर ज्यादा जम जाती है बर्फ जम जाती है, तो उस उन हालातों में कंपनी काम नहीं कराती है, सैलरी मिलेगी जो भी 2-3, 4-10 दिन काम होता है। जब हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं, जैसे इंडिया बताया जिसको छुट्टी हो जाती है, ज्यादा दिक्कत होती है, तो बारिश हो गई कुछ में, ऐसे वहाँ भी होता है। ठीक है, उसकी सैलरी नहीं कटती आप लोग की, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, अपनी मर्जी छुट्टी मारोगे तो कटेगी, वीकली ऑफ संडे मिलेगा, वीकली ऑफ वीक में मिलेगा, डिपेंड करेगा साइड पे। जैसा ये है कि हफ्ते में एक छुट्टी आपकी है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? कुक में क्या सैलरी है सर? कुक में $450 है कुक की। ठीक है जी, मेडिकल तो एयरपोर्ट पे निकलोगे तुरंत होगा, वो नहीं, मेरी वो कंपनी का प्रोसेस है, 1 साल के बाद वो व्यवहार अच्छा रहेगा, बढ़िया से काम करोगे, वीजा रिन्यूअल होगा, उसकी दिक्कत नहीं है, वो 2 साल काम कराएगी कंपनी, उसका दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है आपके व्यवहार पे, सही से रहोगे तो रिन्यूअल करेगी, बदतमीजी करोगे, काम चोरी करोगे तो नहीं करेगी, क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को? काम क्लियर हो गया लेबर का? कोई भी, फिर बोल रहा हूँ, सैलरी जो बताई इससे अलग बताई हो मत जाना, काम किसी को बोला हो तुम पढ़े लिखे हो, हाई स्कूल किया है, कोई इंटर किया है, वहाँ पे हम इंजीनियर बनवा देंगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कहीं जरूरत हुई कैब में कोई ऐसी जगह लगा व्यवहार अच्छा है आदमी का, चलो कर दे अलग बात है, मगर फिलहाल मौके पे जो एग्रीमेंट है लेबर का, वो भी एक होता है कि आपके डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? किसी घर पे कोई ऐसी दिक्कत की हो, 6-3 महीने 4 महीने में आना पड़ जाए, ऐसा कुछ हो तो भैया साल भर तो कम से कम रहना है। 4 साल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल हो तो रिन्यूअल करती रहेगी वीजा, उसको आदमी चाहिए कंपनी को, अच्छा आदमी चाहिए जो काम करने वाला हो, मेहनती हो, कंपनी बहुत अच्छा है, सैलरी में प्रॉब्लम होगा हम पूरी तरह से जिम्मेदार है, एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, काम नहीं मिलेगा एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, वीजा में कोई दिक्कत है एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, आपसे एडिशनल काम कराती है पैसा नहीं मिलता उसके लिए हम जिम्मेदार है। ठीक है, रहने में कोई दिक्कत है आप बताओ, एग्रीमेंट में देखो मेंशन है हिंदी में लिखा है एग्रीमेंट, 10-15 दिन का टाइम दो, अगर कोई दिक्कत मान लो हो भी जाती है टेक्निकली, भाई बारिश हो गई, ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, वैसे तो आती नहीं पहाड़ी इलाके हैं, फिर भी अगर मान लो बर्फ पड़ गई, कोई बात हुई, कोई दिक्कत हुई, मुझे बताओ, 10-12 दिन में हम सॉर्ट आउट करेंगे, ये नहीं फोन किया तुरंत करा दो, तुरंत भैया भगवान तो है नहीं, करा जाएंगे फट से, अगर फोन पे नहीं सॉर्ट आउट होगी मैं आगे कराऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, खाने में कोई दिक्कत है, जो कुक भर भर के जा रहे हैं हर बैच में, एक 2-2 कुक जा रहे हैं, कुक का मामला सेटल है, हेल्पर हमने करवा दिया है, अभी रोटी मशीन कुकर देखो साथ में लेकर जा रहे हो, अभी थोड़ा सा और कर रहे हैं, वहाँ पे जो उसको चीज़ें नहीं मिलती हैं, स्टील के आइटम वहाँ बहुत कम मिलते हैं, तो हम लोग करा रहे हैं, इम्प्रूव करा रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन होता है वीज़ा, काम, सैलरी, खाना, वो चीज़ें की कमी नहीं कंपनी में, अब ये नहीं किसी दिन टंकी पानी नहीं तो टाइम डांस कर ले लोग उसके लिए जिम्मे नहीं है तो बताओ, वहाँ पे राजेश जी करके इंजीनियर है, इसलिए बोल रहा हूँ, इंजीनियर बहुत सारे फोरमैन है, बट वो राजस्थानी